और शांति धारा का अर्थ है, इसको आप समझिए, साथ में आप इसको भक्तांबर को लाइव लेकर चलेंगे, इसमें विशेष अर्थ को आप समझेंगे। मैं शांति धारा का अगले चैप्टर की ओर बढ़ रहा हूँ। इसमें भगवान पहले भगवान की आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन आया, अभी इसमें भगवान की जो त्रिलौकिक शक्ति है, अलौकिक शक्ति, उसका वर्णन इसमें आ रहा है कि भगवान की पूजा कौन कौन करते हैं, इसमें आ रहा है। बोलिए, ओम ओम नृपतिशत प्रपतिशत सहस्त्रालंकृत सहस्त्रालंकृत सार्वभौम सार्वभौम राजाधिराज राजाधिराज परमेश्वर परमेश्वर सकल चक्रवर्ती सकल चक्रवर्ती बलदेव बलदेव वासुदेव वासुदेव मंडलीक मंडलिक महामंडलीक महामंडलिक महामात्य महामात्य सिन्हनाथ ननाथ राजश्रेष्ठि राजश्रेष्ठि पुरोहितादि पुरोहितादि शिरस्करांजलि शिरस्कांजलि नमित नमित शिरस्करांजलि शिरस्कांजलि शिरस्करांजलि शिरस्कांजलि नमित करतल नमित करतल कमल कमल मुकुल अलंकृत मुकुल अलंकृत पाद पद्म युगलः पाद पद्म युगलः विद्याधर विद्याधर राज राज किरीट किरीट कोटि कोटि रुचिर रुचिर रुचिकृष्टि रुचिकृष्टि चंचचरण चंचचरण कमलः। कमल ये आधा हुआ अभी। इसका अर्थ है कि जो हजारों लाखों सैकड़ों हजारों लाखों राजाओं के द्वारा नपतिशत मतलब 100 सहस्त्रालंकृत और उसमें साथ में लगा लो हजार, तो हजारों 100 गुणा करने पर जहाँ लाखों अलंकृत नाना प्रकार के आभूषण से युक्त अनेकों लाखों राजा सैकड़ों हजारों राजा सार्वभौम राजाधिराज और जो समका सारे संसार में राज्य है ऐसे राजाधिराज उसमें परमेश्वर भगवान और जो संसार में ईश्वर के समान कहलाते सकल चक्रवर्ती नाना प्रकार के चक्रवर्ती जो वारा चक्रवर्ती चक्रवर्ती सही प्रकार के सकल वासुदेव सकल जो आदि दीपक है सकल चक्रवर्ती सारे चक्रवर्ती सारे बलदेव सारे वासुदेव और मंडलीक महामंडलीक राजा मंडलीक महामंडलीक राजा महामात्य सेनानाथ राजश्रेष्ठि महामात्य मतलब महामंत्री सेना सेनापति राजश्रेष्ठि मतलब जो नगर सेठ होता है वह पुरोहित आदि और जो राजस्वान पुरोहित होते हैं ऐसे नाना प्रकार के उत्तम उत्तम महापुरुष हैं उनके द्वारा शिरस्कारांजलि मतलब जिनका सिर झुका हुआ है और शिरस्कारांजलि का मतलब होता है कि जिन्होंने अपनी दोनों अंजलि को जैसे ऐसे किया ये अंजलि सिर को लग गई शिरस्कारांजलि कहलाता है। तो जिनने अपनी अंजलि सिर को लगाई है नमित और नमन किया है किसको कर तला अपने दोनों हाथ तला करके कमल हाथ कमल को बना गया और इसको हस्त कमल जैसा ये हस्त कमल होता है ये हाथ कमल बन गया ऐसा नमित करतल कमल मुकुला अलंकृत किला हुआ है अलंकृत इसको ले पाद पद्म युगलः तो जिनके चरणों में ऐसे हजारों लाखों कमल हाथ कमल चढ़ गए और विद्याधर राज किरीट कोटि नाना प्रकार की विद्याओं के जो अधिपति हैं ऐसे अनेक अनेक विद्यावान पुरुष और जिनके मुक्तों की करोड़ों करोड़ों रश्मिया किरणें चमकती हुई उनके चरण चमक रहे हैं ऐसे भगवान उनके भगवान की महिमा यहाँ पर आ रही है। कुलिश नाल रंजत रंजत मृणाल मृणाल मंदार मंदार कर्णिका कर्णिका राति राति कुलगिरी कुलगिरी शिखर शिखर शेखर शेखर गगन गगन गमन गमन मंदाकिनी मंदाकिनी महारद महारद नद नद नदी नदी शत शत सहस्र सहस्र दल दल कमल कमल वासिन्यादि वासिन्यादि सर्वाभरण सर्वाभरण कुशितांग कुशितांग सकल सकल सुर सुंदरी सुर सुंदरी रंध वंदित रंध वंदित चारो चारो चरण चरण कमल कमल युगलः। हमारे भगवान कैसे हैं? हमारे भगवान ऐसे हैं कि जहाँ अकृत्रिम बड़े बड़े सरोवर हैं और उन सरोवरों में यहाँ पर अपन ने जब पढ़ा था मोक्ष शास्त्र में सुनाता था कि जो है सरोवर है वहां पर तन मध्य योजना पुष्करम वहां पर कमल है और उन कमलों में रहने वाले कमलों में ऐसे ऐसे कमल होते हैं जो एक एक योजन कमल होते हैं। एक योजन मतलब ये समझ लीजिए कि 6000 किलोमीटर का एक कमल होता है।
कितने सारे घर बन रहे? 2000 योजन का एक महायोजन होता है, महल होते हाँ, तो 6000 किलोमीटर का एक कमल हो गया, और ऐसे कमल के अंदर में बहुत बड़े बड़े महल बने हुए हैं। उन महलों में महाह्रद मतलब महासरोवर, पद्म महापद्म दिगंज केशके आदि, और नद और नदी, दो चीज आई है, नद और नदी। नदी किसे कहते हैं? तो जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाए उसको नदी बोलते हैं, और नद जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाए उसे नद बोलते हैं। समझ में आया? वेस्ट टू ईस्ट रिवर, ईस्ट टू वेस्ट नद, वेस्ट टू ईस्ट नदी, और ईस्ट टू वेस्ट नद। तो जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाए, पश्चिम से पूर्व जाए तो वो नदी, और पूर्व से पश्चिम की ओर जाए वो नद, इसे नदी नद। पश्चिम से पूर्व में अच्छा, तो सहस्त्र दल कमल वासिन्यारी, और जहाँ पर कई सुंदर सुंदर हजार दल वाले कमल खिले हुए हैं, उन कमलों में वास मतलब वास करने वाली कौन? सर्वाभरण भूषितांग, सब प्रकार के आभूषण से भूषित हैं द्वितीय अंगम, ऐसी सकल सुसुंदरी सभी प्रकार की देवी देवता, देवों की दिव्यांगनाएं, ग्रंथ वंदित और जो भक्ति से नृत्य करती हैं, चरण कमल कमल हम भगवान के सुंदर चरणों की पूजन करती हैं। कल ही अपन ने सुना था माता जी हमारे सुभूषणवती माता जी के माध्यम से कि जिस समय ऐरावत हाथी सौदर्भ इंद्र को लेकर के धरती पर आता है स्वर्ग से, उस समय और जब भगवान जाते हैं तो भगवान को लेकर जाते समय जब ऐरावत हाथी जाता है तो एक ऐरावत हाथी पर एक साथ में 27 करोड़ अप्सराएं नृत्य करती हैं। उस ऐरावत हाथी के 32 मुख होते हैं, कहीं 32 मुख के 108 मुख बताए, 32 मुख हैं, और उसमें प्रत्येक मुख के अंदर में 108 जो है वो दांत होते हैं, फिर दांतों के अंदर में सरोवर होते हैं, सरोवर के अंदर में कमल होते हैं, कमलिनियां होती हैं, उन पर पत्ते होते हैं, और प्रत्येक पत्ते पर जब देवांगन नृत्य करती है तो एक साथ में एक ऐरावत हाथी पर 27 करोड़ अप्सराएं नृत्य करती है। तो ऐसी देवांगनाओं से, देवियों से जो पूज्य भगवान है, और नाना प्रकार के देवी देवता इसमें आ गए, पूरा तीनों लोग मतलब इस संसार के संपूर्ण राजा महाराजा चक्रवर्ती बलभद्र नारायण पति नारायण मंडलिक महामंडलिक सेनापति राजश्रेष्ठि महामात्य पुरोहित जितने महापुरुष हैं, ये मनुष्य और संपूर्ण प्रकार के देव, संपूर्ण विद्याधर और देवांगनाएं जिनका तीनों लोग अत्यंत भक्ति करता है, ऐसे तीन लोग के नाथ भगवान है देवादि देवाह। ऐसे दिवाली भगवान महामात्य अमात्य महामात्य महामंत्री प्रधानमंत्री, परंतु बाकी संस्कृत में अमात्य आता है। तो जो भगवान है वो शिष्य प्रतिशिष्य, हमारे शिष्य और प्रतिशिष्य। तो शिष्य मतलब क्या हो गया? जैसे हम हमारे गुरुदेव कुंसारे के शिष्य हैं, और मेरे जो शिष्य हैं वो गुरुदेव के प्रशिष्य हैं, इसलिए हमारे गुरुदेव गुरुदेव कृष्ण गुरुदेव हमारा पोता शिष्य, शिष्य प्रशिष्य प्र और प्रप्रशिष्य इस तरह होता है। लकड़ दादा पक्कर दादा, हमारे गुरुदेव की अभी आचार्य कुंसार गुरुदेव की 5 पीढ़ियां होती, कुंसार गुरुदेव स्वयं, उनके शिष्य आचार्य पद्मनंदी, उनके शिष्य आचार्य वैराग्य नंदी, उनके शिष्य आचार्य तीर्थ नंदी, उनके शिष्य और एक और नंदी, इस तरह से 5 पीढ़ी हुई। तो इस तरह सशिष्य प्रतिशिष्यानुवर्ग भगवान सदा हमारे को प्रसन्न रहे, हमारा मंगल करें। और परम निर्वाण ओम, बोलिए ओम, ओम परम निर्वाण मार्ग परम मंगल नाम धेया नाम सद्धर्म कार्य शुभ उत्तम सिद्ध सिद्धि प्रयच्छन्तु वः। इसमें आया कि जो परम निर्वाण मार्ग को प्राप्त हैं ऐसे जिनेंद्र भगवान हमारे सभी के लिए मंगल करें, हम सबके लिए सद्धर्म सद्धर्म की वृद्धि करते रहें, और सद्धर्म कार्य में यह और परलोक और परलोक में निरंतर हमको सिद्धि प्रदान करें, सिद्ध भगवान को सिद्धि देवे, ऐसा ये शांतारा करता आया होगा। अब कल से ध्यान रखना, कल से इस महाशांतारा में आपको जो भक्तांबर के 48 बीजाक्षर आते हैं, 48 रिद्धि मंत्र आते हैं, उन रिद्धि मंत्र प्रत्येक रिद्धि मंत्र से क्या क्या आपके कार्य होते हैं उसका बहुत सुंदर उच्चारण, उसका रहस्य यहाँ पर आने वाला, तो आप उस रहस्य को जानने और समझने के लिए समय पर तैयार रहिए।
एक दूसरे को और बतलाइए, माँ शांति के आत्मरस को जानिए और समझिए। आज इतना ही, बोलो शांतिनाथ भगवान की, भगवान की महाशांतारा की जय। आज जय।